भारत की संसद की गरिमा दुनिया में अच्छी है, अच्छी थी, और उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष की ओर से एक बार नहीं अनेक बार अपील की गई, पर किसी प्रकार का कोई प्रयास कांग्रेस और उनके सहयोगी साथियों ने जो व्यवधान कर रहे थे नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस पर विचार विमर्श किया और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि उनकी गलती है, उन्होंने गलती की है, वो किसी प्रकार से प्रयास नहीं करने प्रयासित करने का देशवासियों को इस बात की जानकारी देना और जानकारी देने के लिए एक कदम उठाना कि एनडीए घटक दल के जितने सांसद हैं वो इन 23 दिनों का वेतन भत्ता नहीं लेंगे, ये निर्णय हमने लिया। अपेक्षा थी कि वो भी इस पर कुछ विचार विमर्श करके निर्णय करेंगे और अपनी गलती का एहसास करके प्रायश्चित करने और देशवासियों से क्षमा मांगने का प्रयास करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से आज देश भर में उपवास धरने का कार्यक्रम आयोजित किया है। देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी देश और दुनिया को ये बताने के लिए कि हम प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, संसद की गरिमा को उच्च बनाए रखना चाहते हैं, जितने भी सदन हैं उन सब सदनों को सम्मानित बनाए रखने की सोचते हैं और उन सदनों का सदुपयोग हो, विषय पर चर्चा हो और इस कारण से जागृति लाने का प्रयास करें। आपको ये भी मालूम होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से हर समय ये कहा गया कि विरोध पक्ष जिस विषय पर चर्चा कराना चाहे, चाहे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहे, चाहे महंगाई पर चर्चा करना चाहे, चाहे भ्रष्टाचार पर करना चाहे, चाहे नीरव मोदी के ऊपर चर्चा करना चाहे, जिस विषय पर चर्चा करना चाहे सरकार तैयार है, परंतु उन्होंने चर्चा करना उचित नहीं समझा, केवल संसद को हुल्लड़ करके बाधित करना ही उचित समझा। ये इतना बड़ा अंतर महात्मा गांधी जी की कांग्रेस और आज राहुल गांधी जी की कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। मैं विरोध पक्ष विशेषकर कांग्रेस से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में महात्मा गांधी के अनुयायी अपने आप को मानते हैं तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन करके देश को आज़ादी दिलाई और संसद की गरिमा को उच्चस्त बनाए रखने की प्रेरणा दी थी और उसका अनुसरण लंबे समय तक, अगर मैं कहूं तो 65-70 तक इसका अनुसरण किया गया, पर बाद में जब इंदिरा कांग्रेस बनी तो इन सब मर्यादाओं का उल्लंघन करके